मध्य प्रदेश शासन द्वारा संविदा वर्ग 3 वर्ष 2019-20 चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति को क्वालिफाई करने के लिए तय किए 50% अंकों की पात्रता को 40% करने की मांग उठी है। शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति के छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। छात्र राजेश त्रिलोक, गणेश जीतू वर्मा, सुरेश शिवानी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2019-20 विज्ञापन जारी होकर मार्च 2022 को चयन परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा हेतु 50% अंक लाना अनिवार्य किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। वर्ग 3 में एसटी के 4000 पदों की भर्ती शीघ्र करो। वर्ग 3 में 4000 पदों की भर्ती शीघ्र करो। वर्ग 3 में एसटी के 4000 पदों की भर्ती शीघ्र करो। हमारी मांग है पूरी करो। हमारी मांग है पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते हैं। से नर्म निवेदन करती हूँ कि कंप्यूटर पे एग्जाम होती है तो कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से रखे। मेरा आज कंप्यूटर खराब होने से मैं डिस्क्वालीफाई हो गई और अभी नंबर मेरे बहुत घट गए, यानी कि 40 इसमें भी नहीं आए, यानी कि 3.5 नंबर बढ़ना था तो 7.5 नंबर घट गए हैं। तो बोलते जा रहे कंप्यूटर खराब है सर, ये कंप्यूटर तो वो आए सही करने तो बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कंप्यूटर तो पहले से खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पेपर शुरू हो गया। और सर बिना पढ़े क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लगा दिए सर कंप्यूटर खराब होने से। कितने अंक आने की उम्मीद थी आपको? सर मेरे 75-80 नंबर, पास तो हो जाती मैं। मैंने सबसे अच्छी मैंने 3 में पढ़ाई की थी सर। मतलब ये माने कि कंप्यूटर ने आपको डिस्क्वालीफाई किया? हाँ, डिस्क्वालीफाई किया है कंप्यूटर ने। क्या मांग करना चाहते हो? कंप्यूटर पे एग्जाम आने के लेते हो तो सिस्टम अच्छे रखो, नहीं तो ऑफलाइन एग्जाम चालू करे। और सर मेरा आने की ये है तो मेरा आने में पास हो जाते, मेरा से मेरा भी हो जाए इसमें 40 में। क्या नाम है? भावना मंडलोई। की वर्ग 3 की एग्जाम हुई थी 2019-20 के, इसमें तो बहुत सारे एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें 4000 पद अभी भी खाली है। और बहुत से बच्चे ऐसे तो अपने कैसे मतलब रोजगार हिसाब के लिए मतलब यहाँ पर आए हैं, तो उसमें बहुत से बच्चों के नंबर ऐसे थे जिसमें 8 से 4-5 नंबर ऐसे कम थे, उस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और बहुत से बच्चों के आए थे स्क्रीन पर नंबर और उसके बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उसमें भी कम कर दिए, और उसके बाद जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें भी नंबर कम कर दिए। तो ये कौन सा न्याय है सर? और हम अभी 4000 पद के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत सारे एसटी वर्ग के बच्चे ऐसे हैं उनके पास अभी रोजगार नहीं है और वो कैसे अपना घर चला रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि वो ये 4000 पद पर जल्दी से जल्दी भर्ती करवाए। इसके बारे में शिवानी वारे। माननीय महोदय के माध्यम से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन दिया गया। हमारी यही मांग है कि जो 2019-20 में प्राथमिक शिक्षण चयन भर्ती जो वर्ग 3 की जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग एसटी वर्ग के 4000 पद खाली रह गए, तो हम ये इस मांग को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि जो एसटी के जो 4000 पद खाली रह गए उनकी पुनः भर्ती की जाए और वर्ग 3 में जो एसटी भर्ती चयन प्रक्रिया 50% के अंतर्गत की गई थी, तो हमारी ये मांग है उसको 50% से घटाकर 40% की जाए और जो 4000 पद खाली पड़े हुए हैं उसकी शीघ्र से शीघ्र भर्ती की जाए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो एसटी बाहुल समुदाय है, तो जो युवा है वो लगभग बेरोजगार है और उनकी उम्र भी अधिक मात्रा से बढ़ती जा रही है जिससे कि वह बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी जो 4000 एसटी वर्ग के जो वर्ग 3 में खाली है उस पर शीघ्र से शीघ्र भर्ती की जाए। और मेरा माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यह करपत्र निवेदन है कि जो लगभग जो कई सालों से 1.5 लाख जो 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र भर्ती की जाए, क्योंकि आपके जो भांजे और भांजे वो कई सालों से बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, कई सालों से अपने घर बार छोड़कर जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ऐसे युवा आज तक भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी उम्र बीतती जा रही है, वह डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, तो शीघ्र से शीघ्र जो 1 लाख पद जो लगभग 1.5 लाख से अधिक है वो खाली है उनकी शीघ्र से शीघ्र भर्ती की जाए और जो वर्ग 3 में जो एसटी समुदाय में जो 4000 जो पद खाली है उन पर शीघ्र से शीघ्र भर्ती की जाए और जो भर्ती प्रक्रिया जो चयन प्रक्रिया 50% है उसको घटाकर 40% की जाए। मेरा नाम जीतू वर्मा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।